फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं इडियम और फ्रेजेस को डिस्कस करने के लिए। काफी टाइम से आपको वीडियो नहीं मिली थी, लेकिन अभी उसी सीरीज को हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है इडियम वो है अपर क्रस्ट। क्या है? अपर क्रस्ट। क्रस्ट आपने सुना होगा, ज्योग्राफी के अंदर होता है क्रस्ट, कोर और मेंटल। ये क्या होता है? आपकी जो अर्थ होती है उसकी लेयर होती है अंदर से ग्राउंड के, यानी कि धरती के नीचे जो लेयर होती है उनको बोला जाता है क्रस्ट, कोर, मेंटल। तो इसके अंदर जो क्रस्ट होती है ना वो सबसे ऊपर की जो लेवल होती है उसको बोला जाता है। तो ये अपर भी ऊपर का हो गया, क्रस्ट भी ऊपर का हो गया। अपर क्रस्ट जो है उसका मतलब होता है जो भी सोसाइटी होती है उसकी हाईएस्ट लेवल का जो पर्सन होगा या हाईएस्ट लेवल की जो कास्ट होती है उसको बोला जाता है अपर क्रस्ट। यानी कि जो सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिकली या सोशली जो रिच होते हैं उनको बोला जाता है अपर क्रस्ट। याद कैसे करोगे कि क्रस्ट भी अपर होती है और अपर का खुद का मतलब भी क्या होता है? ऊंचे वाला। यानी कि जो ऊपर वाली जो सोसाइटी की लेवल होगी, जो कैटेगरी होगी, उनको बोला जाता है अपर क्रस्ट। सेकंड जो हमारे पास है वो है लाइफ ऑफ रियल। क्या है? लाइफ ऑफ रिले। लाइफ ऑफ रिले जो है उसका मतलब होता है कि एक आपकी कंफर्टेबल लाइफ। कैसे? देखो रिले जो है ना उसका मतलब ही होता है लग्जीरियस। ठीक है, लग्जीरियस लाइफ। रिले का मतलब हो गया लग्जीरियस। और कैसी लग्जीरियस? लाइफ ऑफ लग्जीरियस यानी कि फुल ऑफ कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल और गुड लाइफ होता है लाइफ ऑफ रिले। रिले याद रखो मीनिंग क्या है? लग्जीरियस। लग्जीरियस होगी तो जो लाइफ है वो लग्जीरियस यानी कंफर्टेबल और गुड बढ़िया जो लाइफ है वो है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्रीम ऑफ द क्रॉप। क्या है? क्रीम ऑफ द क्रॉप। अब देखो किसी भी चीज की क्रीम होती है, जैसे दूध की क्रीम होती है तो कैसी होती है? बहुत बढ़िया लगती है ना। दूध के ऊपर जब भी क्रीम आती है तो वो क्या है? बिल्कुल बढ़िया है। ऐसे ही आपका किसकी क्रीम बता रहा है? क्रॉप की। जब भी फसल उगाते हैं फिर उसको मतलब बड़ी करते हैं, उसके बाद वो तैयार होती है, फिर काटते हैं, है ना, फिर उसको जो किसान है वो बेचते हैं तो उसको क्या मिलता है? उसके बदले में पैसा मिलता है, है ना। तो उसके लिए वो चीज क्या है? बिल्कुल बढ़िया है भाई। उसकी जो क्रीम की जो क्रॉप थी ना, यानी कि उसकी जो मतलब प्रॉफिट था या उसका जो भी पैसा उसे मिलना था वो उसे मिल गया, इसका मतलब उसके लिए वो चीज क्या है? बिल्कुल बढ़िया है। क्रीम ऑफ द क्रॉप जो है उसका मतलब ही होता है द बेस्ट ऑफ समथिंग। यानी कि किसी चीज का बिल्कुल बढ़िया जो होता है उसको बोला जाता है क्रीम ऑफ द क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इडियम है वो है, ये आपने सबने सुन रखा होगा, रोल आउट द रेड कार्पेट। क्या है? रोल आउट द रेड कार्पेट। देखो रेड कार्पेट जो है वो कब बिछाया जाता है? जब ना मतलब बहुत जो अमीर लोग होते हैं उनकी पार्टीज वगैरह होती है या बड़े बड़े लोग जब आते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर तो वहां पे आपको रेड कार्पेट मिलेगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं उनकी मतलब मेहमान नवाजी के अंदर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको अच्छा फील हो कि हमारी मेहमान नवाजी जो है वो बिल्कुल बढ़िया हो रही है। तो रोल आउट द रेड कार्पेट जो है उसका मीनिंग ही होता है किसी को बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट देना। टू गिव समबडी द बेस्ट ट्रीटमेंट, कौन सा? हॉस्पिटैलिटी वाला। यानी कि उनकी मेहमान नवाजी जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से की गई है। किसी की मेहमान नवाजी में जब हम रोल आउट करते हैं, रोल आउट का मतलब है यानी कि बिछा देना द रेड कार्पेट, जो रेड कार्पेट है उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टिकल समवन्स फैंसी। क्या है? टिकल समवन्स फैंसी। देखो टिकल जो है उसका मीनिंग होता है गुदगुदी। ठीक है, फैंसी का मतलब होता है जो चीज इमेजिनेशन है यानी कि कल्पना है, एक्चुअल में वो चीज हमें नहीं पता। तो देखो यानी कि कोई बंदा किसमें है? कल्पना में है। ठीक है, और उसको गुदगुदी कर दी तो वो बंदा क्या हो जाएगा? हंसने लग जाएगा, है ना,
क्योंकि पहले इमेजिनेशन में है और उसको गुदगुदी कर दी तो वो क्या होगा, खुश होगा। तो टिकल समवन्स फैंसी का मतलब होता है किसी को खुश करना, प्लीज करना, लेकिन इन्हें लाइट हार्टेड है, यानी कि मतलब उसको मतलब कल्पना में है, उसको जगाने के लिए हम उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं ताकि वो अपनी कल्पना से बाहर आ जाए, यानी कि लाइट हार्टेड वे में किसी को क्या करना, खुश करना, एम्यूज करना। ओके, जो ये टिकल समवन्स फैंसी है ना, इसी से एक और आपका बनता है, इसे टिकल से ही, टिकल्ड पिंक, जो टिकल से आपकी एक और इडियम जो बनती है वो होती है टिकल्ड पिंक। देखो टिकल का मतलब गुदगुदी करना, अब किसी के हम गुदगुदी करते हैं वो हंसने लग जाएगा, हंसने लगेगा तो उसके जो गाल है वो कैसे हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे, यानी कि रेड होते हैं जैसे हंसता है बंदा कोई, यानी एनर्जी आ जाती है उसके अंदर। लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि जब किसी को गुदगुदी करते हैं तो उसके गाल जो वो कैसे हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं। टिकल्ड पिंक का मतलब होता है वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, यानी कि उसको गुदगुदी इतनी की कि उसके गाल जो क्या हो गए, पिंक हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि उसको इतना ज्यादा हंसाया गया, इतनी ज्यादा गुदगुदी की गई कि उसको हंसी आ गई, जिसके कारण उसके गाल जो है वो क्या हो गए, पिंक हो गए। तो टिकल्ड पिंक जो है उसका मतलब होता है वेरी हैप्पी। नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है वो है टाई द नोट, ये भी आपने सुना होगा, टाई द नोट। देखो टाई का मीनिंग क्या होता है, बांधना, नोट का मीनिंग क्या होता है, गांठ। अब टाई द नोट, देखो जब शादी होती है, जब फेरे हो रहे होते हैं तो लड़का और लड़की का जो मतलब दुपट्टा वगैरह होता है तो उनकी गांठ बांधी जाती है ना, कब, जब वो फेरे लेने वाले होते हैं, तो वहां क्या कर दी उनकी जो टाई कर दी, बांध दी, किसको, गांठ बांध दी, यानी कि वो शादी कर रहे हैं। टाई द नोट जो है उसका मतलब होता है टू गेट मैरिड, यानी कि शादी करना। कब बांधी जाती है गांठ, जब फेरे ले रहे होते हैं, यानी कि एक अच्छे ओकेजन पर जब शादी कर रहे हैं तो गांठ बांधी जाती है, यानी उनकी शादी हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास इडियम है वो है फैट कैट, क्या है, फैट कैट। अब देखो कैट है वो कैसी है, फैट, फैट क्यों है, क्योंकि ना उसने बहुत कुछ खा लिया है, कैट जो है उसके ने बहुत कुछ खा लिया है, क्योंकि उसके पास बहुत चीजें खाने के लिए इसीलिए खाया होगा, और खा खा के वो क्या होगी, मोटी हो गई। तो फैट कैट जो है उसका मतलब होता है रिच एंड प्रोस्पेरस पर्सन, लेकिन यूजुअली लेजी, क्यों, क्योंकि देखो अगर खा खा के मोटे हो गए, मोटे हो गए तो क्या हो जाएगी, एनर्जी वैसे ही डाउन हो जाएगी, तो हमारे अंदर क्या हो जाती है, हम लेजी हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते इतना ज्यादा, मतलब उतनी ज्यादा फुर्ती हमारे अंदर नहीं रह पाती है। तो फैट कैट जो है उसका मतलब होता है कि रिच एंड प्रोस्पेरस पर्सन यूजुअली लेजी, क्योंकि जो फैट कैट है वो उसने इतना कुछ खा खा के अपने अंदर फैट भर लिया है कि अब वो ज्यादा काम नहीं कर सकती। ठीक है, ये हमारी थोड़ी इडियम थी, हम दोबारा से रिविजन करते हैं। फर्स्ट है अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट का मतलब होता है जो हाईएस्ट लेवल हो सोसाइटी का, यानी कि जो सोशल और इकोनॉमिकली जो है रिच पर्सन होते हैं उस कास्ट के लिए, उस सोसाइटी की पार्ट के लिए बोला जाता है अपर क्रस्ट। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ रिले, रिले जो है उस वर्ड का मीनिंग ही होता है लग्जरियस, यानी कि कंफर्टेबल, तो लाइफ ऑफ रिले यानी लग्जरी वाली लाइफ कैसी होगी, कंफर्टेबल एंड गुड लाइफ। फिर हमारे पास है क्रीम ऑफ द क्रॉप, भाई फसल है, फसल को हमने बोया है, काटा है, अच्छा हमारे पास क्या आ गया, उसका पैसा आ गया, तो उसकी क्रीम जो है वो हमारे पास आ गई है, यानी उसका जो बेनिफिट मिल रहा था वो हमें मिल गया है, तो क्रॉप की क्रीम जो है वो क्या है, बिल्कुल बढ़िया है, द बेस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बिल्कुल बढ़िया होना। फिर हमारे पास था रोल आउट द रेड कार्पेट, रेड कार्पेट हम कब बिछाते हैं, जब किसी को मेहमान नवाजी हमें ज्यादा करनी हो, किसी को अच्छी रिस्पेक्ट देनी हो, है ना, तो रोल आउट किया है रेड कार्पेट को। तो रोल आउट द रेड कार्पेट का मीनिंग ही होता है टू गिव समबडी ए बेस्ट ट्रीटमेंट। फिर है टिकल समवन्स फैंसी, यानी फैंसी का मतलब होता है किसी की कल्पना में होना, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना, यानी वो कल्पना में है, उसको थोड़ी गुदगुदी कर दो तो वो क्या हो जाएगा, हंसने लग जाएगा, एम्यूज हो जाएगा, किसी को प्लीज करना, लेकिन कैसे, इन्हें लाइट हार्टेड वे, यानी कि उसको मंद मंद मुस्कुराने के लिए हम कुछ जो छेड़खानी करते हैं उसको बोला जाता है टिकल समवन्स फैंसी। फिर इसी से बना टिकल से ही टिकल्ड पिंक।
अब किसी को गुदगुदी की, इतनी ज्यादा गुदगुदी की कि उसके जो गाल है वो क्या हो गए, पिंक हो गए, तो वो इतना ज्यादा खुश है कि उसके गाल क्या हो गए, पिंक हो गए, मतलब होता है वेरी हैप्पी। फिर हमारे पास है टाई द नोट। नोट का मतलब होता है गांठ, टाई का मतलब हो गया बांध देना, यानी कि गांठ जो है वो बांधती है। कब बांधते हैं, जब फेरे ले रहे होते हैं, लड़का और लड़की की जो दुपट्टा होता है उसको हम क्या करते हैं, बांधते हैं, यानी कि उनकी शादी हो रही है। फिर है फैट कैट, एक ऐसी कैट जिसके अंदर फैट बहुत हो चुका है। क्यों होगा, क्योंकि उसके पास खाने के लिए चीजें बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा रिच है, तो और वो क्या है साथ में लेजी भी है, यानी कि क्योंकि वो खा खा के इतनी मोटी हो गई है कि अब ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये था फैट कैट। आज हमने जो ये इडियम डिस्कस की है तो आप इनको रिवाइज करते रहना। पहले वाली जो भी वीडियो में हमने इडियम डिस्कस की है, आई होप कि आप उनको रिवीजन करते हो, तो जितनी ज्यादा रिवीजन आप करते रहोगे तब भी साथ में आपको वो लर्न होती रहेंगी। दूसरी बात क्या है, जो भी मैं आपको लिंक बताऊंगी, जैसे ये अपर क्रस्ट है, क्रस्ट आपकी जो स्टेज होती है फर्स्ट से ऊपर वाली नीचे वाली है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लर्न रखने का याद करना है कि जो क्रस्ट है वो हाईएस्ट वाली होती है, अपर का मतलब भी वही हो गया, तो मतलब हो गया जो सोसाइटी के अंदर अपर कास्ट होती है या अपर जो लेवल की मतलब बंदे होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो जब अगर आप उनको लिंक से याद रखोगे तब आप ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे टाइम तक आप उनको याद कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी करिए और कमेंट करना न भूले। बताएं आप हमें कि आपको जो वीडियोस हैं वो कैसी लग रही है। थैंक यू फ्रेंड्स।